नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है यूरिन टेस्ट को लेकर के। यूरिन टेस्ट अगर आप नॉर्मल उसमें करा रहे हैं, आपको कोई बीमारी से जानकारी लेनी है तो उसे बोलते हैं यूरिन रूटीन टेस्ट। आप जानना चाहते हैं आपको क्या बीमारी है तो यूरिन रूटीन टेस्ट कराया जाता है, या सिंपल आप बोल दें यूरिन टेस्ट आपको कराना होता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यूरिन टेस्ट के तहत जो होता है मेरे भाई, यूरिन सैंपल का परीक्षण तीन तरीकों से किया जाता है। तीन तरीके से जांच होती है यूरिन सैंपल की हमारे। पहला होता है विजुअल, दूसरा होता है यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और तीसरा होता है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं विजुअल यूरिन टेस्ट की, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो मेरे भाई विजुअल यूरिन टेस्ट में मूत्र के रंग और गंध की और स्पष्टता की यानी क्लियरिटी की जांच की जाती है। तो विजुअल यूरिन टेस्ट में दो चीज़ें आती हैं। पहले आती है स्मेल। यूरिन की एक खास गंध होती है, लेकिन असामान्य गंध होने का मतलब है कि या तो आपके अंदर पानी की कमी है या आपने जो खाया है उसके कारण ऐसा है। दूसरे नंबर पर आता है टेस्ट जो होता है इसमें, वो होता है कलर। किस रंग के यूरिन का क्या मतलब होता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ये विजुअल यूरिन टेस्ट के अंदर ये है कलर। तो इसमें पहला जो कलर आता है, अगर बाथरूम का कलर है पेल येलो या फिर येलो एम्बर, तो ये नॉर्मल यूरिन कलर हैं, यानी सब ठीक है। रिपोर्ट जब आपकी आती है यूरिन टेस्ट की और उसके आगे लिखा रहता है कि आपके पेशाब का कलर है पेल येलो या फिर येलो एम्बर, तो इसका मतलब आपका पेशाब जो है कलर बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। येलो एम्बर जो कलर होता है वो ऑरेंज और येलो के बीच का कलर होता है, और पेशाब के पीले होने का कारण होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम एक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट होता है, उसके कारण यूरिन का पेशाब का पीला रंग होता है। तो पहले नंबर पर मैंने बात कर ली पेल येलो या येलो एम्बर की। दूसरे नंबर पर आता है अगर आपका पेशाब का रंग ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी पानी पी रहे हैं, तो चाहें तो आप पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ऑरेंज रंग का पेशाब। अगर ऑरेंज रंग का आपका पेशाब है तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं, यानी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, लीवर या पित्तवाहिका बाइल डक्ट जिसे बोलते हैं कि दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए पानी आपको उचित मात्रा में पीना चाहिए। चौथे नंबर पर कलर आता है रेड। अगर आपका जो पेशाब है वो लाल रंग का है तो इसका कारण है कि रेड ब्लड सेल का या हीमोग्लोबिन का रिसाव, जिसे पेशाब में खून आना कहते हैं, इसका कारण संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ट्यूमर या प्रोस्टेट या किडनी स्टोन की प्रारंभिक अवस्था हो सकती है। हो सकता है आपको स्टोन की प्रॉब्लम होने शुरू हो गई है, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी बनना शुरू हो गई है। पाँचवें नंबर पर कलर आता है वाइट या मिल्की वाइट, दूध जैसा सफ़ेद। कुछ मिनरल्स यानी खनिजों की अधिकता, जैसे कैल्शियम आप ज़्यादा ले रहे हैं, फॉस्फोरस आप ज़्यादा ले रहे हैं, या प्रोटीन आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके पेशाब का जो रंग है वो दूधिया सफ़ेद हो सकता है। छठे नंबर पर कलर आता है मेरे भाई डार्क ब्राउन या ब्लैक। कुछ दवाओं के खाने से, जैसे एलोवेरा ले लें या फिर बाकला ले लें जिसे फावा बीन्स बोलते हैं, उसके खाने से भी पेशाब का रंग भूरा हो सकता है। या फिर अगर आप कॉपर और फिनोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर आपके अंदर ज़्यादा है, फिनोल आप के अंदर ज़्यादा है, तो उसके कारण आपका पेशाब का रंग काला हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट होता है, पहला टेस्ट पूरा हो गया है, विजुअल जो टेस्ट बताया था मैं, विजुअल यूरिन टेस्ट। दूसरे नंबर यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोप के द्वारा यूरिन का परीक्षण होता है इसमें मेरे भाई। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी लेते हैं हम। पहली चीज़ होती है रेड ब्लड सेल। मूत्र में RBC की उपस्थिति, अगर रेड ब्लड सेल आते हैं मूत्र में, दिखता है आपकी रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि मूत्र में RBC की मात्रा कितनी है या नहीं है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर RBC की उपस्थिति आती है, RBC आती है, तो ये बताता है कि आपको किडनी की बीमारी है या फिर मूत्राशय में यानी कि यूरिन ब्लेडर में इन्फेक्शन या कैंसर भी हो सकता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 से 4 PVF। दूसरे नंबर पर आता है व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC, इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। मूत्र में अगर इसकी उपस्थिति होती है, हाल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो ये एक इन्फेक्शन का संकेत देता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 से 4 PVF। तीसरे नंबर पर बैक्टीरिया या यीस्ट, अगर ये नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं, अगर ये आपके पेशाब में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है आपको संक्रमण यानी इन्फेक्शन है। चौथे नंबर पर जांच करते हैं एपिथेलियल सेल्स। अगर आपके पेशाब में एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं तो इसका कारण है मूत्र मार्ग संक्रमण, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी या फिर आपको ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 0 से 4 PVF। पाँचवें नंबर पर जानकारी लेते हैं हम क्रिस्टल की। क्रिस्टल यानी कि जैसे अगर आपका पेशाब की जांच हुई है, उसमें क्रिस्टल के आगे कुछ लिखा हुआ रहा है, तो उसे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टल जो होता है ना, ये खनिजों या मिनरल्स का ग्रुप होता है, जिनमें यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीलेट, हिप्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट आदि, या फिर एक चीज़ और हम देखते हैं कि नाइट्राइट या सोडियम, ये भी जो है क्रिस्टल में ही आते हैं, मिनरल्स में ही आते हैं। अगर यूरिन में क्रिस्टल पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। पेशाब की जांच से भी आप बता सकते हैं कि आपको गुर्दे की पथरी है, अगर क्रिस्टल के आगे कुछ निशान बने हुए आते हैं, ये प्लस प्लस में निशान दिखाता है।
छठे और लास्ट नंबर पर जो इसमें जांच की जाती है वो होती है पसेल। पसेल यानी होती है मवाद। आप कहते हैं ना पेशाब में मवाद आ गई, तो जिन व्यक्तियों के पेशाब में पस आने लगे तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मूत्राशय यानी यूरिन ब्लेडर मार्ग में संक्रमण हो गया है। पस सेल जो होती है मृत व्हाइट ब्लड सेल यानी मृत श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं WBC होती हैं और दूसरी डेड सेल के कारण बनती हैं। इसकी रेंज भी 0 से 4 PBF होनी चाहिए। ज़्यादा है तो ज़्यादा मवाद आ रही है, वो सही नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा है। और इसके अंदर जो तीसरा और लास्ट टेस्ट किया जाता है वो होता है मेरे भाई यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। पहला होता था विजुअल यूरिन टेस्ट, दूसरे नंबर पर मैंने बताया था माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, और तीसरा जो लास्ट है यू है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। तो इसमें जो होती है पहले नंबर पर जाँच होती है pH वैल्यू। pH का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें हाइड्रोजन की क्षमता का पता चलता है। किसी वस्तु में हाइड्रोजन के अणु उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को दिखाते हैं। इसे पैमाने पर 0 से 14 तक नापते हैं। 7 से नीचे pH मान को अम्लीय व 7 से ऊपर pH मान को क्षारीय कहते हैं। जो 7 है वो न्यूट्रल है, अर्थात ना अम्ल है ना क्षार है। जैसे पानी का pH मान होता है 7, तो ना पानी अम्ल है और ना क्षार है। यूरिन की pH वैल्यू होती है 4.6 से लेकर 8 तक। अगर 4.6 है तो वो आपका पेशाब अम्लीय है, और अगर 8 है, 8 से ज़्यादा है, तो ये क्षारीय है और आपका पेशाब क्षारीय नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेशाब क्षारीय है यानी एल्केलाइन है, 8 से ऊपर उसकी मात्रा है, तो यह बताता है कि आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी है, या फिर आपको UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के जो पेशाब मार्ग है, मूत्र मार्ग है, उससे संबंधित कोई भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दूसरे नंबर पर इसमें जो जाँच करते हैं वो होती है प्रोटीन। इसे दो तरह से चेक किया जाता है। एक होता है रैंडमली, यानी दिन का किसी भी वक्त का, सुबह का या शाम का या कभी भी का भी हम पेशाब का एक सैंपल ले लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की जांच करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 से 14 mg/dL। अगर इतना आ रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम है। और दूसरा जो टेस्ट किया जाता है इसमें प्रोटीन का, वो होता है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। इसमें पूरे दिन में किया गया पेशाब एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। यह कंटेनर लैब द्वारा दिया जाता है, आप घर पर नहीं किसी बोतल में कर सकते हैं, वो कंटेनर आपको लैब से ही लेना होता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है मेरे भाई वो है 10 से यानी 10 से लेके 140 mg/dL। mg होता है मिलीग्राम। अगर पेशाब में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा आती है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही है। तीसरे नंबर पर जो जांच होती है इसमें मेरे भाई वो होती है ग्लूकोज की। वैसे तो ये नहीं पाया जाना चाहिए, पर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 0.8 mmol/L यानी मिलीमोल पर लीटर। ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा बताती है कि आपको शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पर जो जांच होती है वो है बिलीरुबिन। वैसे तो ये नहीं पाया जाना चाहिए, अगर ये ज़्यादा मात्रा में यूरिन में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा है। यह लीवर द्वारा साफ होकर मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। पांचवें और लास्ट नंबर पर हम चेक करते हैं ब्लड इन यूरिन, यानी कि आपके पेशाब में खून तो नहीं आ रहा है। अगर पेशाब में खून आता है तो इसका अर्थ है कि आपके मूत्र मार्ग या मूत्राशय में किसी तरह का संक्रमण है। तो जो यूरिन टेस्ट होता है मेरे भाई उसमें यही पैरामीटर और यही जानकारी दी गई होती है। आपके पास जब अगर यूरिन की रिपोर्ट आती है, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो आप घर पर भी आप उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं आपको क्या बीमारी हो गई है। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप मेरे मैसेंजर पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।